Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Rank. अभी सर्कुलर मोशन में कुछ और टर्म को डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड को. अब हम डिफाइन करेंगे टाइम पीरियड को. सो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल और बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय टी. यानी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे, सो ये सर्कुलर पाथ है, सो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम टेकन है उसी को क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड. यानी टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर. इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, सो इसको डिफाइन करें, कह रहे हैं इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्यूटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सपोज करो ये कोई सर्कुलर पाथ है और बॉडी बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो वन सेकेंड में जितने रेवोल्यूशन करेगी, जितने भी वन सेकेंड में जितने रेवोल्यूशन करेगी उनकी जो नंबर होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्यूटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, अब टी टाइम में, टाइम पीरियड टी में कितने रेवोल्यूशन कर रही थी? वन. सो टी टाइम में अगर इसको ऐसे करें तो वन सेकेंड में कितने करेगा? वन अपॉन टी. वन सेकेंड में कितने करेगी? वन अपॉन टी. नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए टी टाइम में कितना करा है? वन. सो वन सेकेंड में कितना करेगा? वन अपॉन टी. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. और वन सेकेंड में जितने रेवोल्यूशन होंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? न्यू से डिनोट करते हैं, क्लियर. ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड. इसकी यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड, या जिसको हर्ट्ज भी कहते हैं. इसको मोस्टली हर्ट्ज ही कहते हैं, पर सेकेंड नहीं कहते हैं, ठीक है. लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? पर सेकेंड, जिसको हर्ट्ज कहते हैं, क्लियर. सुना होगा FM वगैरह जब पहले सुनते थे तो मीडियम बीट से इतने दशमलव किलोमीटर हर्ट्ज पर, 92.7 किलोमीटर हर्ट्ज पर, इस तरीके से सुना होगा, क्लियर. अब बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में. ओके, सो लेट अ बॉडी, इसको सॉल्व करते हैं. लेट अ बॉडी कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन टी टाइम. कितना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है? टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन इज टी, दैट इज टाइम पीरियड. इट्स ट्रेवल्स एन एंगल ऑफ 2π रेडियसन. तो वन रेवोल्यूशन में ये कितना एंगल ट्रेवल करेगा? पूरा एंगल कितना होता है सेंटर पे सर्किल के? 2π. तो 2π रेडियन के एंगल को ये ट्रेवल करेगा. ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें एक रेवोल्यूशन में उसकी क्या रही होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2π का. और टाइम टेकन, एक रेवोल्यूशन है तो टाइम पीरियड के इक्वल होगा. यही रिलेशन है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. एक बार पढ़ेंगे खुद से तो समझ में आ जाएगा. इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2π इनटू 1/t, और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, अभी बताया था. तो इसकी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2π न्यू. फ्रीक्वेंसी को एक बात और ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी को कभी कभी बहुत ज़्यादा बार f से रिप्रेजेंट भी किया जाता है. f से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे. ओके, बहुत सारे राइटर इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, f से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. फ्रीक्वेंसी लाइट के केस में फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वहाँ पे फोकस f से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन अगर जहाँ पर बिना लाइट के केस में फ्रीक्वेंसी को हम मोस्टली f से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, क्लियर है. इसके बाद अब बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की. एंगुलर एक्सीलरेशन की, तो जैसे सिंपल एक्सीलरेशन है वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन होगा. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुल वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है. ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से. एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हो यानी इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तब क्या हो जाएगा? डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख देते हैं.
क्लियर। द एसआई यूनिट, अगर इसका यूनिट फाइंड करें, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, और डेल्टा टी तो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन आप इसकी फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने कराया था। इस हम जानते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा अभी हमने फाइंड किया है ना। दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल करना है टी के रेस्पेक्ट में। सो वी गेट डिफरेंशिएट, मैंने उसको सिखाया था कैसे करते हैं, डी अपॉन डी टी दैट इज बी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी आएगा नीचे है ना। डी अपॉन डी टी इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ओमेगा, सिंपल लिखा है, सिंपल डिफरेंशिएट किया है, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर, आर कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो बाहर निकाल लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। आर क्या है, रेडियस है ना, सो सर्कुलर पाथ की रेडियस तो कभी चेंज नहीं होती, वो तो कांस्टेंट बनी रहेगी, तो आर को बाहर निकाल लिया। डी बी ओवर डी टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है, आर वैसे ही है, ये क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है, क्लियर। बस यही कुछ डेफिनेशंस हैं, ओके, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।